नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। दोस्तों, यूपी में कई चमत्कारी मंदिर मौजूद है जिनकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। ऐसे में आज हम आपको बरेली के एक चमत्कारी मंदिर के बारे में बताएंगे। ये किसी भगवान का मंदिर नहीं बल्कि एक नागा साधु बाबा अलाखिया का तपोवन है, जहाँ एक चमत्कारी शिवलिंग मौजूद है जिसके दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। बरेली के एक जंगल में साधु अलाखिया का एक जंगल है जो काफी प्रसिद्ध है। उस वन में लोग दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। साथ ही यहाँ पर एक चमत्कारी शिवलिंग भी है जिसकी बहुत मान्यता है। मंदिर की प्रसिद्धि और इससे जुड़ी मान्यताओं की जांच के लिए हमारी टीम भी यहाँ पहुँची। आज श्रेष्ठ यूपी की टीम पहुंच गई है नाथ नगरी बरेली के अलकनाथ मंदिर में। जी हाँ, ये वही मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर है जहां पर मुगल शासकों ने कई बार हमला किया और इस मंदिर को ध्वस्त करने की कोशिश की और वो इस कोशिश में नाकाम रहे। क्यों, यहां पर चमत्कारी अलकनाथ बाबा विराजमान है जिनको अलखिया बाबा ने दर्शन में पाया था और उसके बाद ये स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुई और तब से ही ये मान्यता में ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने पर हमने पाया कि बरेली में चारों तरफ भोलेनाथ का वास है। यहाँ पर चारों ओर भोलेनाथ के मंदिर मौजूद है। उन्हीं में से एक है अलकनाथ मंदिर जो कि काफी प्रसिद्ध है। लोग बरेली आए और इस मंदिर के दर्शन करने ना जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता। दर्शन करने आए बरेली जी, तो कैसे, क्या मान्यता, पता चली क्या? अरे, शिव जी का नाथ नगरी लोग बताते हैं जी, बहुत मान्यता है जी। अलकनाथ मंदिर है, अभी त्रिवटी नाथ मंदिर हम लोग जाएंगे। अच्छा, अभी हम लोग गोपेश्वर मंदिर गए थे जी, वहाँ मतलब तो इनके चारों तरफ चारों कोने पर है नाथ नगरी, तो इसीलिए हम लोग दर्शन करेंगे। बरेली के लोगों के अलावा बाहर से कई भक्त अक्सर इस मंदिर में आते रहते हैं। बताया जाता है कि ये मंदिर काफी प्राचीन भी है, इसलिए लोगों का इस मंदिर पर अटूट विश्वास है। लोगों का मानना है कि यहाँ पर दर्शन करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस कारण यहाँ शिवरात्रि और सावन के दौरान भक्तों का सैलाब रहता है। मैं बनारस से आई हूँ, पहली बार आई हूँ यहाँ पर दर्शन करने। तो कैसे, क्या पता चला था कि यहाँ पर अलकनाथ बाबा का मंदिर है? बस ऐसे ही पढ़ा था। हाँ, और सब लोग बताते भी हैं कि यहाँ पे चारों कोने पे मंदिर बने हुए हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध है, इस वजह से दर्शन करने आए यहाँ पे। कहा जाता है कि नागा साधु बाबा अलाखिया ने वट वृक्ष के नीचे कठिन तप किया था और उन्होंने ही यहाँ वट वृक्ष के नीचे प्रकट हुए शिवलिंग की स्थापना भी की थी और तब से ही इस मंदिर को अलकनाथ मंदिर कहा जाने लगा। ये तपोवन 84 बीघा में फैला हुआ है और आज भी नागा संप्रदाय के साधु संत बाबा अलकनाथ की भक्ति में लीन नजर आते हैं। 6300 वर्ष का तो इतिहास अभी का है और ये प्राचीन काल में उससे भी पूर्व लगभग 3000 वर्ष पूर्व से है, लगभग 9100 बरस हो गए। ये वृक्ष है, वृक्ष के पेड़ की जड़ है, जड़ पे चबूतरा बना है, जड़ के नीचे अलकनाथ भगवान है, तो ये अलखिया बाबा हुए नागा समाज। मंदिर को लेकर वहाँ के पुजारियों ने कुछ ऐसा बताया जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कैसे इस मंदिर का मुगलों से नाता है ये पुजारी से बातचीत के दौरान हमें पता चला। साथ ही इस मंदिर का प्रताप के बारे में भी मालूम चला। जो मुगल लोग थे उधर के आए हुए, उन्होंने यहाँ कब्जा कर रखा था रोयलों से भी पहले, तो ये स्थान था, बाबा जी यहाँ स्थान में बैठे तो उन्होंने तपस्या यहाँ प्रारंभ की। तो उस समय के जो शासक हुए, एक बार वो इधर आए, उन्होंने देखा कौन है कि बाबा जी है, इसको हटाओ यहाँ से। इसको बाबा जी को कहा, बाबा जी बोले नहीं, बाबा जी बैठे रहे समाधि, वही समाधि। बरेली की नाथ नगरी में सप्तनाथ मंदिरों में शुमार अलकनाथ मंदिर को आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है। नागा संप्रदाय के पंचायती अखाड़े द्वारा संचालित इस मंदिर की पहचान दूर दूर तक है। यहाँ की मान्यता है कि जो भक्त यहाँ 40 दिन लगातार पूजा कर लेता है उसकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी हो जाती है। श्री कालूगिरी जी महाराज के द्वारा वर्तमान समय में यहाँ व्यवस्था देखी जा रही है, क्योंकि आप अखाड़े के राष्ट्रीय सचिव भी हैं और यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, कार्यवाहक भी हैं और पूरे मंडल के गुरु जी हैं हमारे बाबा जी। जो भी उसके अंतर्गत मणियाँ आती हैं सबकी देखरेख बाबा जी के द्वारा होती है, यहीं से अखाड़ा संचालित होता है, साधु संतों की सेवा होती है। और यहाँ पर 40 दिन अगर लगातार कोई दर्शन कर ले, कहते हैं 40 दिन बड़े दुर्लभ होते हैं यहाँ लगातार कह के करना। तो अगर आप भी कभी बरेली घूमने जाते हैं तो एक बार इस मंदिर में जरूर जाएं और खुद ही यहाँ की पवित्रता को महसूस करें। और अगर आपको शिव की अनंत भक्ति का आभास करना है तो आप यहाँ पर सावन और शिवरात्रि के मौके पर जरूर जा सकते हैं, क्योंकि उस दौरान यहाँ की सूरत ही बदली रहती है।
तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। बाकी इसी तरह का कंटेंट और देखने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।